नहीं देखिए, कल बड़ा ही बहुत ही सरप्राइजिंग रहा। जैसे ही लोकसभा 2 बजे बैठी लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए, सत्ता पक्ष के जो सांसद थे, बीजेपी के सांसद, उन्होंने शोर हर शुरू कर दिया, हल्ला गुल्ला मचाने लग गए, जिसके चलते हाउस अडजर्न हो गया। मात्र 1-1.5 मिनट में ही हाउस अडजर्न हो गया। तो ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है सदन चलाने की, सरकार की मंशा ही नहीं है लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट करने की, और सरकार की मंशा ही नहीं है कि दिल्ली बिल लाकर उस पर मतदान भी कराया जाए, उस पर चर्चा हो। न जाने क्यों सरकार दिल्ली बिल पे चर्चा से भाग रही है। उन्हें शायद ऐसा लगता है कि अगर वो चर्चा पे आएगा तो तमाम सांसद मिलकर, इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद सरकार को एक्सपोज करेंगे और ये सिद्ध करेंगे सदन के पटल पे कि कैसे सरकार एक चुनी हुई लोकतांत्रिक ढंग से, लोगों के जनमत से चुनी हुई सरकार की शक्तियां लेकर उसकी हत्या कर रही है। दूसरी तरफ हरियाणा में जो हिंसा हुई है नूह में और गुड़गांव में, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग दंगाई लोग हैं उनसे ही इसका कंपेंसेशन वसूला जाएगा। देखिए, एक चीज साफ हो गई है पिछले कुछ दिनों में, वो ये है कि बीजेपी के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। बीजेपी इस देश को अमन, प्यार, शांति, भाईचारा और एक अच्छी कानून व्यवस्था नहीं दे सकती। एक तरफ हमारे देश का एक अभिन्न अंग, हमारा एक बॉर्डर स्टेट मणिपुर जल रहा है, पिछले 90-95 दिन से जल रहा है। वहां 2 समुदायों के बीच बहुत हिंसा हो रही है, एथनिक क्लेंजिंग तक का दर्जा दिया जा रहा है उस हिंसा को। और दूसरी ओर हरियाणा, जो भी वो भी बीजेपी शासित प्रदेश है, जहां सदैव से शांति रही है, वहां एक प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा है, वहां पे सांप्रदायिक हिंसा हुई है। तो ये दोनों चीजें दिखाता है कि बीजेपी विफल है देश को शांति, सद्भाव और एक अच्छी कानून व्यवस्था देने में। दोनों मणिपुर और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर भी इस प्रकार से अगर हालात बन रहे हैं तो यही समझ में आता है कि या तो बीजेपी कंप्लेसेंट है या कंप्लिसिट है, या तो बीजेपी निकम्मी है, उसके बस की नहीं है कानून व्यवस्था संभालना, या फिर वो मिली भगत है उनकी, और मिली भगत के चलते ही वो खुद ही इस प्रकार के भाईचारे को डिस्टर्ब करने में अपना योगदान दे।